हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस तरह के लिरिक्स स्टार्टर्स वीडियो कैसे बना सकते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज़ करके, जो कि अभी इस तरह के स्टार्टर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब में बहुत ही ट्रेंड चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे फुल ट्यूटोरियल। तो इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको इस तरह की फोटो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फोटो पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी सॉन्ग में स्टार्टर्स वीडियो बनाना चाहते हैं वो सॉन्ग को आपको यूट्यूब में फुल HD में प्ले कर लेना है, स्क्रीन को रोटेट करके। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो टेलीग्राम में हमारा लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके आपको ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। उसके बाद ओपन करने के बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद ऑल फोटो में जाना है, जाने में जो फोटो आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्रॉप करके उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे नीचे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे एक ऑप्शन है स्टिकर का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह आपको शॉर्ट्स का एक ऑप्शन आएगा, तो शॉर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इमोजी शॉर्ट्स कर सकते हैं, नहीं तो लव इमोजी, नहीं तो फ्लावर इमोजी, जो भी आप चाहे शॉर्ट्स कर सकते हैं। तो मैं फ्लावर इमोजी को शॉर्ट्स करता हूँ, तो देख सकते हैं इस तरह बहुत ज़्यादा इमोजी आ जाएगा जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको बहुत ज़्यादा इमोजी जो कि देखने को, देख सकते हैं ये एक अच्छा वाला है, ये वाला है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा इस तरह के जो कि यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप चाहेंगे तो इसमें से कोई से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले से मैंने एक यूज़ किया था जो कि मेरे रिसेंट में ऐड हुआ है, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, जो कि ये वाला देख सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपको जो भी पसंद आता है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ा छोटा करना है, उसके बाद आपको टू फिंगर में इमेज को थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको इसको जो कि आपका बॉयज है उसके सर के ऊपर इस तरह के अच्छी तरह से सेट करना है, छोटा बड़ा रोटेट करके अपने हिसाब से। देख सकते हैं इसको आपको इस तरह करके जो कि रोटेट कर सकते हैं, तो इधर से मैं देख सकते हैं इस तरह करके रोटेट कर सकते हैं। तो उसको मैं अच्छी तरह से जो कि सेट कर लेता हूँ परफेक्टली, जो कि मैच करेगा। देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गाल है उसके हेड पे भी लगाना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। देख सकते हैं ये वाला आ जाएगा। उसके बाद उसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ इधर से एडजस्ट में जाता हूँ, एडजस्ट में जाना है। उसके बाद ह्यू में जाना है, जाने के बाद इधर से आपको ह्यू को इधर से कम ज़्यादा करेंगे तो देख सकते हैं जो कि इसका कलर चेंज हो गया। तो मैं ये वाला रख लेता हूँ जो कि परफेक्टली देखने मिलेगा, तो ये वाला मैं रख लेता हूँ। रखने में राइट क्लिक करना करता हूँ, उसके बाद आपको जो गाल है उसके हेड में आपको अच्छी तरह से उसको परफेक्टली छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जो हार्ट वाला है उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो आपको इरेज वाला का ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद ये वाला जो हार्ट है मैं थोड़ा इसको इरेज करना जो कि परफेक्टली हमारा मैच करेगा। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि इधर से हमारा दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने हिसाब से जो कि अच्छी तरह से उसको रोटेट करके एडजस्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने बाद देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आपको उसको सेव करना है, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको इधर से जो कि शेयर ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद आपको गैलरी का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो इमेज है आपको गैलरी में जो कि सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको मोबाइल में लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस आइकन जाना है, जाने के बाद आपको 4:3 वाला रेशियो सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड जो कलर है ब्लैक सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना, इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इमेज को ऐड करना है, जो इमेज आपने अभी पिक्सआर्ट में सेव किया था, तो प्लस आइकन जाना है, मीडिया में जाना है, जो इमेज आपने अभी सेव किया था इमेज को आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। मूव ऑन ट्रांस में जाना है, साइज में है उसको जितना छोटा या बड़ा रखना चाहता है अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, जैसे आपको सर्च करना है फेदर सर्च करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसका जो स्ट्रेंथ है जैसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो कि मैं इधर से 0.330 रखता हूँ, जो कि परफेक्टली ये देखने मिलेगा। आप चाहेंगे तो उसका साइज़ उसके बाद आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आपको ऐड करना है सॉन्ग, तो उसके लिए आप प्लस आइकन जाना, ऑडियो में जाना, जो भी सॉन्ग आपके पास ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये वाला सॉन्ग चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, इस तरह कुछ आ जाएगा। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, 3 डॉट में जाके इधर से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है, उसका जो वीडियो का पार्ट है आपको इधर से डिलीट करना है, उसका जो MP3 सॉन्ग इधर से आ जाएगा। उसके बाद एंड तक जाना है, जो इमेज है उसको भी आपको एंड तक ले लेना है। देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, उसको थोड़ा कम कलर उसका जो HDRCC वाला कलर हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए रिसेट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिसेट को आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह कुछ देखने मिलेगा। देख सकते हैं आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगल 1, 2, 3 है उसको आपको इस तरह करके सिलेक्ट करके इसको आपको कॉपी कर लेना है। देख सकते हैं कॉपी 3 ले और
उसके बाद आपको इधर से बैक करना है, बैक करना है जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला ऑप्शन जाने के बाद पेस्ट थ्री लेयर करना है, देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा, देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको एंड तक जाना है, जाने के बाद ये तीनों लेयर को सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, पूरा एंड तक ये आ जाएगा, देख सकते हैं पूरा इस तरह की इफेक्ट हमारा इधर से ऐड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको लिखना है लिरिक्स, तो लिरिक्स लिखने के लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, लाने के बाद प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है, जाने के बाद जो भी आपका लिरिक्स है पहले लिरिक्स इधर से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको देख सकते हैं जैसे जो कि दिखाई दे रहा है फॉन्ट, तो आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है, पॉपिन बोल्ड वाला जो फॉन्ट है उसको सिलेक्ट करना है, और जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको कैपिटल लेटर में आपको लिख लेना है। उसके बाद वो अलाइन कर लेना है बीच में, अलाइन करने के बाद आपको फॉन्ट में जाना है, जितना साइज आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कलर में जाना है, जाने के बाद व्हाइट वाला कलर जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। तो उसके बाद आपको ओपन ट्रांसफॉर्म में जाना है, जाने के बाद उसको नीचे आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो देख सकते हैं थोड़ा हमारा हमको क्या करना है, जो टेक्स्ट में हम थोड़ा स्पेसिंग ऐड करेंगे, इसके लिए टेक्स्ट का जो भी इफेक्ट है उसका भी प्रीसेट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो प्रीसेट को आपको ओपन करना है। ओपन करने में देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, करने के बाद आपको बैक करना है, जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था उसको ओपन करना है, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह जो कि परफेक्टली देखने मिलेगा, तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि इधर से हो गया। उसके बाद आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से जो टेक्स्ट का साइज़ है आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करना है, देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद आपको प्ले करके सुनना है आपका जो पहला लिरिक्स है वो कितना सेकंड तक है, जितना सेकंड है उतना सेकंड तक आना है, टाइमिंग में जाकर उतना सेकंड तक ले आना है। उसके बाद फिर से सेकंड लिरिक्स सीखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर करना है, इसको खींच के आपको आगे लेके आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको लिरिक्स को ऐड करना है सेकंड वाला, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट में जाना है, जो भी आपका सेकंड लिरिक्स है आपको पूरा इधर से लिख लेना। तो इधर से मैं लिख लेता हूं, तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह करके आपको सेकंड लिरिक्स को लिख लेना है, देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद आपको थर्ड लिरिक्स लिखने के लिए सेम प्रोसेस आपको इधर से डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के बाद आपको आगे लेके आने, आगे लेके आने के बाद आपका जो भी थर्ड लिरिक्स है आपको इधर से लिखना है, इधर से करके इस तरह करके पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जो लिरिक्स है इधर से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इमेज है उसमें आपको ऐड करना है जो कि सेक वाला इफेक्ट, तो उसके लिए आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, जाने के बाद आपको इधर से ऑक्सीलेट वाला जो इफेक्ट है आपको इधर से सिलेक्ट करना है, ऑक्सीलेट वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जो एंगल दिखाई दे रहा है देख सकते हैं उसको आपको क्या करना है, 90 कर लेना है परफेक्टली, आपको जैसे 90 डिग्री आपको जैसे सेट कर लेना है, तो जैसे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आने जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी को आपको जैसे पूरा डिक्रीज करके 0.30 के आसपास आपको जैसे परफेक्टली सेट कर लेना है, 0.30 आपको जैसे कर लेना है। उसके जो मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है 25, तो जैसे थोड़ा आपको डिक्रीज करके 20 आपको कर लेना है। उसके बाद क्लोज करना है, फिर से आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, जाने के बाद आपको स्विंग वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रीक्वेंसी जो है आपको जैसे 0.20 आपको रखना है, जो कि थोड़ा स्लोली होगा, बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एंगल वन है आपको इधर से -5 कर लेना है, और एंगल टू को +5 डिग्री इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से मैं कर लेता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको इमेज में इफेक्ट देखने मिलेगा, देख सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा जो लिरिक्स है आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिरिक्स को लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी लिरिक्स है आपको क्या करना है, पूरा जितने भी लिरिक्स का लेयर है आपको इस तरह सिलेक्ट करके जितने भी लिरिक्स है आपको क्या करना है, इधर से ग्रुप कर लेना है। तो ग्रुप करने के बाद इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आपको जो इमेज में इफेक्ट है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद जितने भी लिरिक्स आपका है उसके ऊपर ग्रुप वाला इफेक्ट में जाके पेस्ट इफेक्ट करना है, उसका जो फेदर वाला इफेक्ट को डिलीट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह जो भी हमने इमेज में स्विंग इफेक्ट और ऑक्सीलेट वाला इफेक्ट ऐड किए थे लिरिक्स में भी ऐड हो जाएगा, जो कि परफेक्टली देख लो। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट इधर से हमारा जो कि दिखाई दे रहा है। तो इस तरह करके आपको पूरा लिरिक्स को लिख लेना है, मैंने 2-3 लिरिक्स दिखाई दिया, तो आपको पूरा लिरिक्स को आपको एक जितने भी लिरिक्स है आपको ग्रुप करके आपको इफेक्ट को पेस्ट करके फेदर इफेक्ट को डिलीट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको ऐड करना है एक पार्टिकल्स वीडियो, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टेलीग्राम में दे दूंगा, उसको डाउनलोड करना है, प्लस आइकन जाना है, मीडिया में जाना है, वीडियो को आपको इधर से ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड ऐड करने के बाद इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट में जाना है, जाने के बाद आपको इधर से फिल कंपोजिशन एरिया करना है, ब्लेंडिंग में जाना है, लाइटन में जाकर आपको स्क्रीन कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह स्क्रीन इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो जितना सेकंड है उतना सेकंड तक जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, जितना सेकंड तक आपको पार्टिकल्स वीडियो उतना सेकंड है रखना है, बाकी का पार्ट का आपको ट्रिम करना है। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि जैसे हमारा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका जो भी लोगो है आपको स्टार्टिंग में आना है, जो भी लोगो आपने ऐड किया करना चाहते हैं जैसे आपको अपना लोगो को ऐड करना है। तो पहले से मैंने पूरा जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है।
तो देख सकते हैं ये वाला वीडियो पूरा जो कि कंप्लीट हो गया। तो इधर से मैं साउंड को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह करके पूरा आपको क्रिएट करना है। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि हमारा वीडियो लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको इधर से शेयर ऑप्शन जाना है। वीडियो को इधर से फुल HD में क्वालिटी आपको फुल लगे इधर से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।